तरीके से हुआ है। देखो भाई पूरा इसके देखिए वहाँ पे कोई निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस तरह जो कोने में आप दिखाई देगा यहाँ पे देखिए आप निर्माण थोड़ा सा ही देखिए यहाँ से जो है बनाया जा रहा है भाई। ये आप देख सकते हैं ये पूरा बनाया जाएगा, जो एक्सीलेटर वाली सीढ़ियाँ बनाई जाएगी कुछ इसी जगह पर बनाया जाएगा। लोग खड़े हुए यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ लाया जा रहा है जो मोटा वाला फ्रेम है उसको नीचे लाया जा रहा है। देखिए इसी तरीके से वर्क किया जा रहा है देखो भाई। और ये यहाँ से जो एक्सीलेटर सीढ़ियाँ उठाई जाएंगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सर। ये देखिए भाई वर्क यहाँ पे भी नीचे से पिलर वगैरह उठाया जाएगा जो कि एक्सीलेटर के लिए जैसे जिस तरीके से बनाया जाता है सेम उसी तरीके से बनाया जाएगा। क्योंकि एक एक्सीलेटर आगे बनके तैयार है वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल अभी चल नहीं रहा है। और ये देखिए भाई ये पाइपलाइन जैसे हम दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं दिखाने वाला हूँ अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन पे हो रहे निर्माण कार्य के बारे में, जो कि यहाँ पे सेकंड फेज का वर्क चल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको। सामने की तरफ आप देख रहे होंगे जो ये वाली वॉल जो गिर गई थी वो अभी बिल्कुल बन के खड़ी हो गई है, उसमें कलर वगैरह भी हो चुके हैं। और यहाँ पे बगल बगल में डिवाइडर का भी काम किया जा रहा है जो कि आगे की तरफ खुदाई हो रही है। वहाँ पे देख रहे होंगे वहाँ पे जेसीबी मशीन वगैरह वहाँ पे खड़ी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगाने का काम बिल्कुल किया जा रहा है, देख सकते हैं आप सामने की तरफ बिल्कुल। और ये सामने का यहाँ का फ्रंट द्वार है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। आगे की तरफ से नया वाला जो है बनाया जा रहा है रास्ता, जहाँ से आप डायरेक्टली राम मंदिर जो है श्री राम पथ से होते हुए डायरेक्टली आप यहाँ पर अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन पर आ सकते हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए पूरा ये वर्क जो हो रहा है ये पूरा इंटरलॉकिंग का हो रहा है। चलिए दूसरे तरफ लेकर चलता हूँ, जो सेकंड फेज का वर्क है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये 7 नंबर गेट जहाँ से आप अंदर जाएंगे, अंदर की तरफ आपको जो है टिकट वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि पहले पुराने वाले स्टेशन पर मिलता था वो अब बंद हो चुका है। अभी देखिए ये पूरा जो है यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेशन का जो है मेन गेट जहाँ से अंदर जाते हैं वो वाला है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आज आपको दिखाई देने वाली है। अंदर की तरफ लॉकर सेवा भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने सामान को जमा भी करा सकते हैं। और डोर मैट्रिक भी सेवा आपको मिल जाएगी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंक्रीट वगैरह यहाँ पर गिराया जा रहा है जो कि अंदर वर्क चल रहा है उसी के लिए यहाँ पर ये जो है पूरा गिर जा रहा है। देखिए ये रास्ता जो आता है दोस्तों ये आएगा गुरु वशिष्ठ चौक की तरफ से, और अगर आप आना चाहें इधर से मैं अभी आया हूँ ये वाला रास्ता देखिए, और मैं अंदर चलता हूँ इधर की तरफ से। सभी मशीनें आपको यहाँ पे खड़ी मिल जाएंगी क्योंकि जेसीबी वगैरह है, बड़े वाले क्रेन अभी वहाँ पीछे की तरफ एक, पहले दो था अभी फ़िलहाल एक ही है। ठीक है, ऊपर की तरफ देख कितना वर्क हो चुका है भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस समय, क्योंकि बहुत ही तीव्र गति से जो है वर्क यहाँ पर चल रहा है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, देखिए आप। और ये देखिए एक्सीलेटर के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है पूरा, क्योंकि इधर से भी चढ़ाया जाएगा एक्सीलेटर। और यहाँ पे एक दो तीन तीन चार एक्सीलेटर जो है एक ही रूट में बनाया जा रहा है। देखिए ये देखिए भाई वर्क यहाँ पे भी नीचे से पिलर वगैरह उठाया जाएगा जो कि एक्सीलेटर के लिए जैसे जिस तरीके से बनाया जाता है सेम उसी तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि एक एक्सीलेटर आगे बन के तैयार है वो मैं आपको दिखाऊँगा, फिलहाल अभी चल नहीं रहा है। और ये देखिए भाई ये पाइपलाइन जो पड़ा हुआ है ये आपको दिखाई देगा, ये पानी वाला पाइपलाइन है जो कि जब ट्रेनों में पानी ख़त्म हो जाता है तो उसमें भरा जाता है ना पानी, तो वही वाला ये है। ऊपर की तरफ आप देखिए भाई कितना बन के तैयार हो गया है, ये इसी तरीके से जो पहले की तरफ जो पहले बना हुआ था वो उधर की तरफ है, जो मैं ऊपर लेकर चलूँगा अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना हुआ है। अभी देखिए ये वाला जो बन के तैयार हो रहा है, ये देखिए उसके जस्ट बगल में ये लिफ्ट एरिया बनाया जा रहा है, देखिए ये लिफ्ट एरिया बन के तैयार होगा। देखिए एक यहाँ पे है, एक उस जगह पे, एक उसके बगल में, तीन तीन लिफ्ट एरिया बनाया जाएगा ये देखिए। और इधर की तरफ आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ही, देखिए यहाँ से जो है बनाया जा रहा है भाई, ये आप देख सकते हैं ये पूरा बनाया जाएगा, जो एक्सीलेटर वाली सीढ़ियाँ बनाई जाएगी कुछ इसी जगह पर बनाया जाएगा भाई। फ्रेम वगैरह लगा के पूरा जो है इसको सपोर्ट किया जाता है, जो ऊपर की तरफ जो रखे गए हैं ऊपर फ्रेम वगैरह, तो सबसे मोटे वाले फ्रेम में उसी के नीचे एकदम
लगाया गया सबसे बड़ा वाला फ्रेम है, जो कि वहाँ पे भी जो नीचे की तरफ फ्रेम रखा गया है वो सबसे जो है मोटा वाला जो है फ्रेम होगा, उसी के नीचे उस फ्रेम को लगाया गया है। देखिए अभी वर्क हो रहा है ऊपर की तरफ, लोग खड़े हुए यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ लाया जा रहा है जो मोटा वाला फ्रेम है उसको नीचे लाया जा रहा है। देखिए इसी तरीके से वर्क किया जा रहा है। और ये यहाँ से जो एक लीटर सीढ़ियाँ उठाई जाएंगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सर। देखिए पूरा ये अभी तो बराबर कर दिया गया है, क्योंकि नीचे का वर्क हो चुका है इसलिए बराबर करके इसके ऊपर का जो काम होगा वो किया जाएगा। ये 10 नंबर जो है आपको गेट दिखाई देगा जो कि खुला है अंदर की तरफ जाने के लिए, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं इसमें स्टेशन में तो ये देखिए ये वाला गेट खुला रहता है आपका। और इधर की तरफ आप देखिए भाई सेम उसी तरीके से इधर भी बनाया जा रहा है। अभी जो है बेस तैयार किया जा रहा है नीचे का, उसके बाद में इसके ऊपर जो वर्क होगा वही होगा। देखिए ये पानी वाली पाइप है जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है, पानी का पाइप है। देखिए वो कुछ अंदर का माहौल आप इधर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ अंदर का, ये बड़ी वाली फैन जो ऊपर चल रही बहुत तेज़ से हवा देती है, देख रहे होंगे। चलिए दिखाता हूँ इधर से जो आगे इधर देख सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि आगे क्या वर्क हुए हैं इस रूप का। चलिए दिखाता हूँ, सेम वर्क उधर भी हो रहा है, जैसे कि 1 लीटर इधर बनाया जाएगा इसी के जस्ट सामने वहाँ भी बनाया जाएगा, हर चीज़ जो है सामने सामने हो रहा है वर्क। भाई दिखाता हूँ चलो आपको, ये ऊपर का फ्रेम आप देख सकते हैं पूरा कैसे रखा गया है, और इधर तो पूरा पहले ही बन के तैयार हो गया है जो कि चालू भी है, इधर का जो है बन के तैयार होगा। उधर वाला पहले बन चुका है, फिलहाल ऊपर कंक्रीट वगैरह जो भी पड़ना था वो भी पड़ चुके हैं। सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला उधर का दिखाई दे रहा है वो वाला, अभी इस पर जो है वर्क होना है। चलिए दिखाता हूँ आपको, चलिए चलते हैं लिफ्ट से ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको ऊपर से कैसा दिखाई देता है जो वर्क हो रहा है ऊपर का, वो कैसा दिखाई देता है। चलिए देखिए फर्स्ट फ्लोर के लिए ही ये लिफ्ट अभी काम करता है क्योंकि इसके ऊपर का वर्क हुआ नहीं, तो दिखाता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर वाला कैसा वर्क हो रहा है। ठीक है देखो भाई कुछ इस तरीके से साफ सफाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई आपको यहाँ दिखाई देगी। चलो भाई दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये वाला टॉयलेट जो कि पेड है, यहाँ से पैसा लगता है इसमें आने का, आप सफाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से वर्क किया है, पहले ये वाली रेलिंग लगाई गई थी अभी कल और इसको हटा दिया गया था, वहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन अब की अब इस बार जो है इसको हटा के फिर से वाली रेलिंग लगा दी गई। देखिए वर्क देख सकते हैं आप किस तरीके से हुआ है, देखो भाई पूरा इसके आप देखिए वहाँ पे कोई निर्माण कार्य चल रहे हैं इस तरह की जो कोने में आप दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए आप निर्माण चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये बड़ी वाली क्रेन आपको दिखाई देगी जो कि ऊपर की तरफ एक ये है और एक वो वहाँ पे, अभी वो खुला नहीं ऊपर का लेकिन ये वाला खुल चुका है, देखिए किस तरीके से दिखाई देता है। चलो इधर लेकर चलता हूँ आपको, देखिए भाई इधर का सीट तो बिल्कुल खाली है, लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं, इसीलिए बनाया गया ऊपर की तरफ, इसीलिए बनाया जा रहा है कि जितने भी यात्री हैं उनका जो डिले वगैरह चल रहा है ट्रेन वो आराम से जो है यहाँ पे समय व्यतीत कर पाएँ। देखिए एक टॉयलेट ये वाला जो कि पेड़ है और एक टॉयलेट ये वाला यहाँ पे, ये भी ओपन हो गया अभी, अभी ये बंद था लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा पे एंड यूज़ सुलभ शौचालय। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर जो है सीढ़ी बनाई गई थी, सीढ़ी लिखा हुआ यहाँ पर सीढ़ी थी, सीढ़ी को जो है अभी निकाल दिया गया था, देख सकते हैं ये बड़ी वाली फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे जो है लगा दी गई है और इसके आगे का वर्क वहाँ हो चुका है, वहाँ से उसके आगे जो है अभी जो एक्सीलेटर की सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी वहाँ पे इसीलिए छूटा हुआ है, और यहाँ भी जो है शायद बना है, यहाँ भी बनाएगा क्योंकि वहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर ज़रूर बनेगा। ठीक है इसीलिए यहाँ पर छोड़ा गया है, ये एक्सीलेटर और सीढ़ियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी। देखिए आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए चलिए थोड़ा उधर से दिखाता हूँ आपको कैसे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो भाई साफ़ सफाई बिल्कुल नज़र आ रही है, भाई दोपहर का 1 बज रहा है तो दोपहर में तो भाई साफ़ सफाई रही, देखिए कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जैसा ये बनाया गया टीन वगैरह रखा गया है बिल्कुल, ये देखिए सेम इसी तरीके से यहाँ भी पूरे में बनाया जाएगा। अब
ये बैरिकेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये नहीं पता, जैसे ये वाला प्लेटफॉर्म अलग रहेगा वो वाला अलग रहेगा, ऐसे से हो सकता है किया जाए, हो सकता है एक में ही बना दिया जाए, ये कंफर्म नहीं है अभी। अब देखिए ये लिफ्ट एरिया, यहाँ से हम वहाँ से आए हुए हैं उधर से, तो तीन, एक वो है एक ये है, एक ये, तीन लिफ्ट एरिया यहाँ पे बनाया जा रहा है, बनाया हुआ है अभी। ये बड़ी वाली सीढ़ियाँ आप, सॉरी बड़े वाला क्रेन आप देख सकते हैं, ADG जो कि अभी चल रहा है जनरेटर, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये सीढ़ी जो ऊपर जाने के लिए था अभी ये तोड़ दिया गया था, कुछ इस तरीके से दिखाई देता, फ्रेम वहाँ तक ये वाली रखी जा चुकी है, और ये बड़ा वाला क्रेन इन्हीं के मदद से ही सभी काम होते हैं। देखिए ये पूरा जो है जो अभी लेकर गया वहाँ से फ्रेम, इसी की मदद से ऊपर की तरफ आएंगे। अब ये कौन सी मशीन है भाई, कोई बड़ी मशीन ये भी है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना जो लोग जानते हो कौन सी मशीन है। अभी अंदर की तरफ यहाँ पे वर्क हो रहा है, जो कि 1 लीटर वाली सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, तो यहीं पे इसका वर्क हो रहा है। एक क्रेन ये वाला है जो कि अभी कोई कार्य तो हो नहीं रहा इसमें, और दोपहर के 1 बज रहे हैं इस, और डेट की टाइम बात करूँ दोस्तों तो आज है 14 अक्टूबर। ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है एक्सीलीटर वाली जो सीढ़ियाँ चढ़ाई जाएंगी, अभी ये देखिए कार्य हो रहा है यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं पूरा वर्क वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। चलिए इधर से चलता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ आप। ये छोटा वाला क्रेन खड़ा हुआ है, इसकी मदद से जो है इसी भी लोग जो है खड़े होकर ऊपर की तरफ वर्क करते हैं, यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, सामान वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए भाई ये देखो 2 नंबर 3 नंबर दो सॉरी 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ से आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे वर्क भी हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है देख सकते हैं। ये देखो भाई ये देखिए ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, वो 1 नंबर, इसके बगल में जस्ट 3 नंबर प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। चलिए दिखाता हूँ आपको, देखिए ये वाला आप देख रहे होंगे ये JCB टाइप का है, कुछ दूसरे मॉडल का कुछ एकदम है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कि लोग जब इस ऊपर चढ़ के जो काम करते हैं तो इसी पे ऊपर बैठ जाते हैं लोग, उसके बाद में खड़े हो जाते हैं ऊपर, इसी पे खड़े होकर वर्क वगैरह करते रहते हैं। अभी देखिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म बिल्कुल यहाँ तक सीमित है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे घर वगैरह है, भविष्य में ये भी तोड़ा जाएगा क्योंकि जब आगे का वर्क होगा भाई 3 नंबर जैक्सन है तो जैक्सन पे 3 जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये आगे 7, 8, 9 तक भी जाएगा, तो आगे देखते हैं वर्क तो होता ही रहेगा। जो कि लास्ट जो आपको मैं बता दूं अयोध्या डेवलपमेंट का लास्ट जो डेट दिया गया है वो 2031 तक है कि एकदम बन के कम्प्लीट हो जाएगा अयोध्या, ठीक है, तो तब तक तो काम होता ही रहेगा यहाँ पर। अभी देखिए ये वाला जो घेरा हुआ है ये बहुत दिन से ऐसा है, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बनाया गया है, अब इस पर भी 1 लीटर वाली सीढ़ियाँ ही चढ़ाई जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी वर्क हो रहा है, तो उसके जस्ट सामने ये सभी वर्क होंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से, थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए पानी पीने के लिए 5 रुपये में 1 बॉटल जो 1 लीटर का आपका जो है बिल्कुल फुल हो जाएगा, RO वाला पानी, देखिए सीट वगैरह यहाँ पे भी लगाए गए हैं, पूरा 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पूरा यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक बना हुआ है, और मोहबरा बाजार ROB तक पूरा जो है वहाँ तक बनाया गया है। ये फिलहाल थोड़ा सा आगे से तोड़ दिया, उसके बाद में देखिए ई वाली टंकी जो है टूट गई है इसीलिए बह रहा है पानी। बाकी देखिए क्या पोजिशन है यहाँ पर जो है, इसी तरीके से कुछ बंदर लोग कर देते हैं कुछ आदमी कर देते हैं, देखिए यहाँ से आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं बिल्कुल, देखिए पटरिया कितना जो है एकदम घर के जस्ट बगल में, भाई जब ट्रेन आता होगा तो एकदम हिलने लगता होगा ये सब लोग। तो नहीं चलता हूँ जो है आगे की तरफ और दिखाता हूँ उधर की तरफ से जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन था वो किस तरीके से इस समय हो चुका, वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। अभी देखिए वहाँ से जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है वो वाला प्लेटफॉर्म जो दूसरा वाला जो है जो बनाया जा रहा है ऊपर की तरफ से, तो जो आपको ऊपर की तरफ से आप जाएंगे जब तो इधर की तरफ आप नहीं आ सकते, तो वहाँ पे भी जो है कुछ वर्क हो रहे हैं, दिखाता हूँ आपको जूम करके। देखिए ये देखिए यहाँ वाला खोला गया है, इसके अंदर से जो है जो भी वर्कर काम करते हैं इधर से ही अंदर कितने हैं, ठीक है चलिए दिखाता हूँ। अभी देखो कुछ इसी तरीके से जो है सामान वगैरह जो है ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये देखो जैसे भी बड़ा वाला क्रेन है, इसी की मदद से जो है कुछ ऊपर नीचे किया जा रहा है सामानों को। एक वहाँ पे आप देख सकते हैं जो वहाँ से अभी लेकर आया था, ये ऊपर की तरफ चढ़ाया जाएगा। देखिए आप, ये ऊपर की तरफ अभी चढ़ाया जा रहा है पूरा फ्रेम इस तरीके से, देख सकते हैं आप। ये बड़ा वाला क्रेन जो है इसी की मदद से जो चढ़ाया जा रहा है। सभी तरफ ऐसा क्यों किया गया ये नहीं पता चल रहा है। जो डंडा टाइप का गिराया गया है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला ये बिल्कुल लाइन पे ही एकदम किया गया है, ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता है। दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ऐसा कोई जानता हो तो बताइएगा ऐसा क्यों किया गया है। देखो भाई ये वाला देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है ये तार से एकदम अटैच करके जो है, ये देखिए यहाँ पे गिराया गया है, ये है, ये पूरे जो है चारों लाइन पे जो है पूरा गिराया गया है। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पे। आज शायद सब इतनी टाइम जो है सब कैंसिल कर दिए गए, ट्रेन ही कैंसिल कर दिया गया है, इसी वजह से किया गया है। हो सकता है वर्क या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कई ट्रेन कैंसिल भी हो। चलिए उधर से ऊपर से चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको वहाँ से कैसा दिखाई देता है, ठीक है। देखो भाई हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस 2:13 पे आएगा। देखिए सब सामान यहाँ पे भी रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से कैसा दिखाई देता है, आप देखिए आप। चलिए आगे तरफ चलता हूँ, दिखाता हूँ। इधर से चलते हैं हम सब ऊपर पैदल, देखते हैं ऊपर कैसा दिखाई देता है ऊपर से। ये देखिए ये पहले सब नहीं बना हुआ था, अभी तो लिफ्ट भी लग चुका है और एक्सीलेटर वाली सीढ़ियाँ, तो इसी तरीके से पहले जो ऊपर नीचे आते जाते थे लोग। देखिए इधर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखिए ऊपर से देखिए पूरा। अब इधर से चलते हैं हम नीचे की तरफ, तो आपको दिखाते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म जो पुराना वाला आपको दिखा था पहले, तो आपको पहले आपको पुराना वाला आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन कैसा था। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये बगल वाला जो मंदिर बना हुआ है उसके जस्ट बगल में सब नया वाला है, और ये पुराना वाला पहले जो था वो टूट चुका है। देखिए यहाँ से पूरा दिखाई देता है किस तरीके से है पूरा ये। चलिए नीचे चलकर दिखाता हूँ आपको, इधर से आगे से भी वो तो बंद है, इधर से चलता हूँ। आप देखिए यहाँ से बाहर की तरफ दिखाई देगा, देखिए लोग जब आते हैं जो मेन रास्ता जो अभी बनाया जा रहा है वो ये वाला है। मैं आपको जूमी, ये देखिए ये वाला रास्ता है जहाँ पे अभी वर्क हो रहा है, पूरा बंद है, अभी लॉक कर दिया गया है। तो अभी आपको मैं नीचे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए पुराना वाला जो पानी पीने के लिए लगाया गया था कुछ इस तरीके से है। अभी यहाँ से देखिए आपका ऐसा लग रहा है जो पहले बनाया गया था यहीं पे था, पहले वाला जो रेलवे स्टेशन था मेन तो यहीं पे था। देखिए आप अब एकदम सपाट कर दिया गया। अब यहाँ पे जो वर्क होना है भाई, कुछ लोगों से मैंने पता किया तो ये पता चल रहा है यहाँ पे अभी पार्किंग बनाई जाएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस स्टेशन को जो है बड़ा भी किया जाएगा। तब ये अब जब बनके तैयार होगा तभी पता चल पाएगा, तब मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और देखिए उधर वाला जो एक्सीलेटर था वो ऊपर की तरफ चल रहा था, ये वाला नीचे की तरफ चल रहा है। तो चलता हूँ आपको ऊपर लेकर, अंदर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं आप। चलिए इधर से ही चलता हूँ आपको लेकर बाहर की तरफ, दिखाता हूँ ये इधर से कैसा दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, देख सकते हैं आप पूरा। अब ये वाला ऐसा क्यों किया गया है ये नहीं पता चल रहा है भाई। देखिए ये डंडा टाइप का गिराया गया ऊपर से नीचे को। यहाँ पे कई गेट बनाए गए हैं जो कि निकासी एग्जिट पॉइंट के लिए, लेकिन अभी एक ही गेट प्रेजेंट टाइम में खुला हुआ है जो कि 10 नंबर गेट है। वहाँ से आप अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। देखें नीचे से पूरा आप देख सकते हैं कैसा क्या दिखाई दे रहा है, वर्क वगैरह तो हो रहा है यहाँ पे बहुत तेज़ी से।
ये फ्रेम व्रेम ऊपर चढ़ाया जा रहा है बांध के बिल्कुल। देखिए वर्कर लोग अपने काम पे लगे हुए हैं ऊपर, तो देखिए आप बैठे हुए हैं लोग ना, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जेसीबी वगैरह खड़ी हुई है जो कि वर्क वगैरह होते रहते हैं, सिलेंडर से कुछ वर्क किए जा रहे हैं भाई। देखिए देखिए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो में एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।